गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए सेकंड ईयर को लेकर के उसके फर्स्ट पेपर में जो एक्सप्लेनेशन आती है। तो जो भी विद्यार्थी एमडीएस यूनिवर्सिटी से, कोटा यूनिवर्सिटी से, आरयू से, मत्स्य, शेखावाटी, ब्रज यूनिवर्सिटी से, वो बच्चे स्पेशल रूप से ध्यान दें जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं बीए के। तो देखो, आपके जो लिटरेचर बीए सेकंड ईयर है उसके फर्स्ट पेपर में लंदन पोएम का सेकंड और थर्ड स्टंजा आप जरूर लर्न कीजिए, जिसमें वो चिमनी स्वीपर्स की बात करता है और बेन ऑफ चाइल्ड की बात करता है, जिसमें छोटे बच्चों की आवाज पर भी प्रतिबंध, वो भी डरे हुए हैं, ऐसी बात करता है। टाइगर की जो थर्ड और फोर्थ स्टंजा उसे आप लर्न कीजिए, क्योंकि दोनों के दोनों इमेजिनरी में लिखा गया है, जिसमें वो हैमर की बात करता है, उसके खंधे जो बड़े मजबूत हैं, हथौड़े जैसे हैं और घन जैसे मजबूत हैं। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वर्ड्सवर्थ की बहुत अच्छी पोएम है, जिसका लास्ट स्टंजा में कवि पेगन एरा में जाना चाहता है, वो जाना चाहता है उस युग में जहां पर वो उगते हुए सूरज को देख सके। बहुत अच्छा स्टंजा है, 101% आएगी। सोलिटरी रिपर का सेकंड और थर्ड स्टंजा और फोर्थ स्टंजा, जिसमें कवि जो है वो पूरी तरह से इमेजिन करता है, कुकू बर्ड से, नाइटिंगेल बर्ड से उसकी तुलना करता है, फिर वो ये कहता है कि मैं पहाड़ी पर भी चढ़ गया उसका संगीत सुनने के लिए। आप वो स्टंजा लर्न कीजिए। कमला दास की है आपके, जिसमें जो कमला दास की पोएम है ग्रैंड मदर हाउस, उसमें ड्रोनिंग डॉग की बात करता है, वो स्टंजा लर्न कीजिए, जिसमें कवि अपने उस घर में जाना चाहते हैं, वहां से कुछ अंधकार लाना चाहते हैं, अपने बेडरूम के पीछे एक ड्रोनिंग डॉग की तरह उसे रखना चाहती है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन निसिम एजिकेल की कविता है, और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन का लास्ट वाला स्टंजा आप याद कीजिए, जिसमें वो ओजे को बुलाता है, ओजा भी झाड़ फूंक वगैरह ये करता है, और फिर कवि के पिताजी रेशनलिस्ट की बात करते हैं, और या रेशनलिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आयुर्वेदाचार्य की बात करते हैं, फिर वो कुछ जो है वो जड़ी बूटियों से कुछ लेप लगा बना करके उसकी माँ के वो लेप लगाते हैं, वो स्टंजा आप जरूर लग कीजिए। और ए के रामानुजन की दो पोएम, दोनों में से ओबचूरी में से भी आपके आएगा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, और ओ मदर अमंग अदर थिंग में जिसका सेकंड और थर्ड स्टंजा, जिसमें वह ट्री टेसल लाइट की बात करता है, जिसमें वो ये कहता है कि भाई उसकी माँ की साड़ी के धागे ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि रात्रि के समय में किसी पेड़ पर अपन लाइट लगा देते हैं, वो दिखाई देती है ना इस तरह से, और फिर वह बेट ईगल की बात करता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से ये इमेजनरी में है, तो बहुत अच्छे सेकंड और थर्ड स्टंजा है, 101% इनमें आने की संभावना है। अब विशेष रूप से देखिए, आप जैसा मैंने बताया है अगर इस तरह से करेंगे तो आपके 8 एक्सप्लेनेशन आएगी। 8 एक्सप्लेनेशन में से आपको कोई भी 4 करनी है, 1 के 5 नंबर है, और 20 में से 20 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। और कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे रेफरेंस, रेफरेंस में आप ये बताओगे कि ये कविता किसने लिखी, कब लिखी, किस थ्योरी में लिखी, और कौन सा कवि का नाम, और फिर लिखोगे आप कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, नहीं कॉन्टेक्स्ट में आप उसके सार से संबंधित लिखोगे आप उसमें कि भाई इसमें इस जो कविता का जो स्टंजा उसका सार क्या है, और फिर तीसरा आपके आएगा एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन जब आप करोगे ना तो लाइन टू लाइन आप उसे एक्सप्लेन कीजिए, अपनी भाषा में इतनी इजी भाषा लिखिए कि एग्जामिनर उसे समझ सके, और सेंटेंस मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। चौथा आप डिफिकल्ट वर्ड लिखोगे, डिफिकल्ट वर्ड में आपने एक्सप्लेनेशन करते समय जिन शब्दों का यूज किया उसे डिफिकल्ट वर्ड में लिखोगे, और पांचवा आप लिखोगे लिटरेरी थ्योरी आप उसमें लिखोगे। लिटरेरी थ्योरी का मतलब क्रिटिकल कमेंट में साउंड क्या है, इसका म्यूजिक क्या है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, राइम क्या है, ये सारी चीजें दिखाओगे, उन्हें अंडरलाइन करोगे, और इस तरह से आप एक कॉपी का एक पेज, पूरा एक पेज एक्सप्लेनेशन में करोगे, बिना 5 पॉइंट के आप एक्सप्लेनेशन नहीं करोगे। तो इस तरह से आप 90% से अबव स्कोर कर सकते हो एक्सप्लेनेशन के पेपर में। वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, और किसी भी तरह की दिक्कत के लिए मुझे फोन करके जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जिन भी छात्रों को बीए के नोट्स की जरूरत है, हमारे पास में पीडीएफ में क्लास नोट्स और प्रिंटेड नोट्स दोनों उपलब्ध है। मेरे फोन नंबर है 9928669928963043837। थैंक यू।